कस्बा कोसीकला की गैंगरेप पीड़िता के समर्थन में राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक संगठन भी आवाज बुलंद कर न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा मौन प्रदर्शन कर पीड़िता के साथ हुई घटना की घोर निंदा कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वक्ताओं ने शासन प्रशासन से पीड़िता को सरकारी नौकरी, परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, आरोपियों को फांसी की सजा तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं विप्र समाज द्वारा जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन वृंदावन कोतवाली प्रभारी को सौंपा और कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज हम विप्र समाज के द्वारा आज मौन प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि कोसी कला में जिस बच्ची के साथ में जो घटना घटी है, जिसकी निंदा की जाए उतना ही कम है, और सरकार से शासन प्रशासन से मांग की जा रही है उस बच्ची को न्याय मिले, दोषियों को तुरंत चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के तहत उनको फांसी की सजा हो, 50 लाख रुपए का मुआवजा उस बच्ची के परिवार को मिले और एक सरकारी नौकरी उस परिवार के में मिलनी चाहिए। कोसी कला के रहने वाली एक बालिका जो परीक्षा लेके आ रही थी आगरा से, उसको लिफ्ट लेकर के कुछ ले आए और उस बैंक और कार के अंदर उससे गैंगरेप किया गया। उसे दुखी को जहर भी खाया और उसके बाद में वो अपनी केडी हॉस्पिटल में भर्ती की गई है और उसके जो अपराधी हैं उनको सुना है कि सरकार ने पुलिस ने उनको लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि जिस बेटी के साथ ये गैंगरेप हुआ है उनके अपराधियों को एक एक डेढ़ महीने के अंदर उनको जो है ये चार्जशीट दाखिल करे पुलिस और उनको फांसी की सजा सुनाई जाए और उनके घर वालों को कम से कम 50 लाख रुपया और उनको नौकरी दी जाए। लड़की की